चाय के साथ बहुत सारे तरीके के नाश्ते खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आज एक नाश्ता तैयार है, एक पिस्ता मटरी। ये बिल्कुल अलग तरीके से है, तो जरूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियोस को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये खस्ता मटरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा भी ले रहे हैं। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, तो आप अपनी चॉइस पर या तो मैदा या आटा या फिर दोनों चीजें जैसे मैंने मिक्स की वैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और आधा चम्मच से थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही अजवाइन लिया क्योंकि मैंने इसमें अजवाइन का फ्लेवर ज्यादा रखा है। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी मिक्स कर सकते हैं। तो बस सभी चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे मोयन। मोयन हमें डालना है करीब 4 से 5 चम्मच। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप देसी घी भी डाल सकते हैं या फिर कोई और ऑयल जो भी आप खाते हो आप डाल सकते हैं। बस इसको ना अच्छे से रब करते हुए हमें मिक्स करना है। इसको हमें देखिए इस तरह से रब करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये आटे में मिक्स हो जाएगा। बस अब हमने इसे बाइंड करके चेक कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका टाइट डो तैयार करेंगे। डो जो हमें रखना है वो बहुत सख्त होना चाहिए, पूरी के आटे से भी ज्यादा सख्त होना चाहिए। तो बस डो को तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता आप महीने भर स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार एकदम बहुत ही यूनिक सा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए डो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, उसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है। क्या करेंगे, इसको ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब इसके लिए हम एक साटा तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग बोल लिया है छोटा सा। अब उसमें डाल रहे हैं हम 2 से 3 चम्मच मैदा। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं 3 से 4 चम्मच। इसको मिक्स करेंगे तो ये जो साटा है थोड़ा सा लिक्विडी सा होना चाहिए ताकि हम अच्छे से अपनी जो हम खस्ता बना रहे हैं उस पर फैला सकें। मैंने इसमें करीब 5 चम्मच ऑयल डाला था। आप देखिए इसका टेक्सचर। आटा भी हमारा सेट हो गया है, 15 मिनट मैंने इसको रखा था। और अब देखिए इसको स्मूथ कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल चिकना, क्योंकि बहुत टाइट आटा मैंने यहाँ पर तैयार किया है। देखिए इसी तरीके से हमें इसको रखना है, हमें बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रखना है इसको, वरना तो हमारी जो नाश्ता है वो इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा, उसमें इतनी अच्छी लेयर नहीं आएगी। बस इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अभी और बिल्कुल इसे स्मूथ करेंगे और इसमें से लोइयां निकाल लेंगे। इस तरह से चाकू से काट कर ना इसकी लोइयां हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से स्मूथ करके निकाल सकते हैं, छोटी छोटी जैसे हम खाने के लिए इस तरीके से लोइयां बनाते हैं ना आटे की, उस तरह भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं। तो बाकी लोई तो हम यहाँ से हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं और एक लोई की हम चपाती तैयार करेंगे। जो चपाती हमें बनानी है वो बहुत पतली बनानी है और इसके लिए कोई शेप की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी शेप इसमें ले सकते हैं, अनइवन होगी तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने इतनी पतली इसको बेला हुआ है, बस ऐसे ही पतली पतली चपाती हमें तैयार कर लेनी है। तो आप सारी चपाती तैयार कर सकते हैं पहले ही या फिर एक एक चपाती को आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चपाती अभी तैयार की है। अब इस पर हम लगाएंगे साटा जो हमने मैदा और ऑयल मिलाकर बनाया था और अच्छे से हमें इसे अपनी चपाती पर लगा लेना है। इसके बाद हम इसमें कटिंग करेंगे। जब हम काट रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि साइड से काटना है, साइड्स जो है सॉरी इसकी चिपकी रहनी चाहिए, बिल्कुल भी कट नहीं लगना चाहिए, कट लगेगा सेंटर पार्ट पर। तो बस पतली पतली सी इसी तरीके की स्ट्रिप्स हम इसकी काट लेंगे। तो
इसको हम इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे, दोनों तरफ साइड्स पकड़ेंगे और इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे। तो ये जो हमारी स्ट्रिप्स कटी हैं, इसी से इसमें बहुत ही अच्छी लेयर आएंगी। बस इसे हल्का सा स्ट्रेच कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब जो बीच वाला पोर्शन जो है, इसमें जो है साइड्स है, इनको एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और प्रेस कर देंगे। बस अब हम इसे हल्का सा बेलेंगे, बहुत हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है। देखिए इस तरह से सभी हम इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। साटा लगाएंगे ना तो अच्छे से लगाएंगे, कम नहीं लगाएंगे, अगर कम लगाया तो लेयर नहीं खुलेंगी। ये बनाना बहुत इजी है, आप इसी महीने पर स्टोर कर सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आप सफर पर जाएं तो आप इसे एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बनाकर साथ में ले जाएं तो ये मार्केट वाले नाश्ते से भी बहुत टेस्टी बनता है। देखिए इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे और हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और इसको बेल देंगे। जो ये लेयर्स हमने तैयार किए हैं बहुत खस्ता बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो नॉर्मल मठरी तो आपने जरूर बनाकर खाई होंगी, अब आप इसे भी ट्राई जरूर कीजिएगा। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम हीट पर गरम कर लिया है और उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मठरियां डाल देंगे अपनी, बहुत ज्यादा भरकर नहीं डालेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये ऑयल में फ्राई होंगी तो इनकी लेयर्स खुलेंगे। तो थोड़ी देर हम टच नहीं करेंगे, कुछ सेकंड के बाद हम स्पून लेंगे और इन्हें इसी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें जो लेयर बनेंगी उसी से बनेंगी जब इसमें ऑयल बहुत अच्छे से फ्राई होंगे, ऑयल में अच्छे से डिप होंगे। तो बस अब मीडियम से लो हीट पर हमें इनको फ्राई करना है। हल्का हल्का सा, देखिए हम ऑयल में इसे प्रेस कर रहे हैं ताकि इसकी लेयर खुल जाए और थोड़ी देर के बाद इन्हें पलट लेंगे। तो बस 5 से 7 मिनट लगती हैं एक पैच को फ्राई होने में और धीरे धीरे देखिए जब ये लेयर्स ना खुलने लगी हैं, बस इसे पलटते रहेंगे और गोल्डन होने तक इनको फ्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनका कलर और लेयर्स कितनी बढ़िया लग रही है ना, और एक एक लच्छा इसका अलग हो जाता है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें कलर देखिए कितना अच्छा आ चुका है। तो बस इसी तरह से जब गोल्डन कलर आ जाता है तो हम इन्हें ऑयल से बाहर निकालेंगे और एक प्लेट पे रख लेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए कितनी बढ़िया हमारी खस्ता बनके तैयार हुई है, पूरी कचौरी सब फेल हो जाता है इसके सामने, ये इतनी टेस्टी है। आप चाहें तो इसे मसाले वाली भी बना सकते हैं और देखिए कितनी बढ़िया है। मैं आपको ये क्रश करके भी एक एक लच्छा आप देख रहे हैं कितना अच्छे से क्रश हुआ। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।